में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। विविध मांगों को लेकर नर्सों के काम बंद आंदोलन के पहले ही दिन मेयर मेडिकल में व्यवस्था लड़खड़ा गई। ओपीडी से लेकर ओटी तक नर्सें नहीं होने से मरीजों के उपचार में काफी दिक्कतें आई। इस बीच मेडिकल में पूर्व नियोजित 15 ऑपरेशन में से 12 स्थगित करना पड़ा, जबकि मेयो में भी कुछ ऑपरेशन रोक दिए गए। शुक्रवार को भी काम बंद आंदोलन जारी रहेगा। यदि सरकार द्वारा मांगे मान्य नहीं की गई तो 28 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएगी। आउटसोर्सिंग बंद करने, पदोन्नति देने, रिक्त पदों पर भर्ती, स्थायी बदली सहित विविध मांगों को लेकर नर्सों के संगठन की ओर से पिछले वर्षों से आंदोलन किया जा रहा है। अब तक आश्वासन ही मिला, जबकि मांगे मान्य नहीं की गई। कोविड काल में सतत सेवा देने के बाद भी सरकार ने उनके साथ न्याय नहीं किया। यही वजह है कि अब नर्सों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया। गुरुवार को सुबह की शिफ्ट से ही काम बंद आंदोलन की शुरुआत की गई। नर्सें काम पर आई लेकिन वार्डों में ड्यूटी पर नहीं गई, बाहर प्रदर्शन करती रही। ओपीडी सहित ओटी में नर्सें नहीं होने से स्वास्थ्य सेवा पर असर पड़ा। राज्य सरकार ने वादा खिलाफी करते हुए एकाएक राजपत्र में मंडी सेस के साथ रखरखाव फीस 5 पैसे बढ़ा दी है। सरकार का यह निर्णय बेहद आश्चर्यजनक है। नागपुर कृषि उत्पन्न बाजार समिति द्वारा पत्र जारी कर सूचना दी गई है कि 1 जून से मंडी सेस 1 रुपए सैकड़ा और देखरेख फीस 10 पैसे लगेंगे। अभी तक यह फीस 5 पैसे सैकड़ा थी और टोटल मंडी सेस 1.05 पैसा सैकड़ा लगता था। सरकार द्वारा हमेशा से ही मंडी सेस घटाने का वादा किया जा रहा था। वैट लागू होने के बाद मंडी सेस को हटाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन सरकार ने कभी अपना आश्वासन पूरा नहीं किया। यह कहना है दी होलसेल ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के सचिव प्रताप मोटवानी का। उन्होंने कहा कि मंडी सेस घटाकर जहां व्यापारियों को राहत देनी चाहिए, वहां सरकार ने उल्टा इसे बढ़ाकर व्यापार चौपट करने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री सहकार और वाणिज्य मंत्री को देखरेख फीस रद्द करने के साथ मंडी सेस 1 रुपया सैकड़ा से घटाकर 50 पैसा सैकड़ा किया जाना चाहिए। कांग्रेस की सोशल मीडिया सेल का 2 दिवसीय राज्य व राष्ट्रीय स्तर अधिवेशन व प्रशिक्षण वर्ग 28 व 29 मई को वनामती नागपुर में होने वाला है। प्रेस परिषद में सेल के अध्यक्ष विशाल मुत्तेमवार ने बताया कि देश में 43% और महाराष्ट्र में 61% लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। आज हर क्षेत्र में डिजिटल प्लेटफॉर्म का महत्व बढ़ गया है, जिससे राजनीतिक क्षेत्र भी अछूता नहीं है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप अधिक से अधिक लोगों तक सही जानकारी व अपनी बात पहुँचा सकते हैं। अपनी सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी तय करने के लिए कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। 28 मई को राज्य स्तरीय अधिवेशन में सेल के करीब 325 से अधिक पदाधिकारी हर जिले से यहां आएंगे। वहीं 29 मई को राष्ट्रीय स्तर अधिवेशन में हर राज्य में से कुल 210 पदाधिकारी आने वाले हैं। इस नवसंकल्प सोशल मीडिया शिविर में अनुभवी नेताओं विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा, पदाधिकारियों का प्रशिक्षण होगा और चर्चा के बाद पार्टी की रणनीति तय की जाएगी। प्रेस परिषद में विधायक अभिजीत वंजारी भी उपस्थित थे। आंध्र प्रदेश और गुजरात में सक्रिय दलालों के माध्यम से बड़ी मात्रा में BT3 बीज उमरेड, भिवापुर, सिरसी, रामटेक, मौदा व अन्य कपास उत्पादन पट्टों के किसानों तक पहुंच रहा है। किसानों के पास करीब 50% से ज्यादा कॉटन BT3 बीज पहुंच चुका है। इसके चलते वैध तरीके से बिकने वाला कॉटन BT2 बीज की बिक्री पर खतरा मंडरा रहा है। केंद्र सरकार के केंद्रीय जेनेटिक अप्रूवल कमेटी द्वारा अब तक BT3 तकनीकी को मान्यता प्रदान नहीं करने के बावजूद गुजरात की कंपनियों द्वारा मिलकर इस कॉटन BT3 तकनीकी को बनाकर इन बीजों की बिक्री की जा रही है। कमेटी को इसका अनुमान होने के बाद भी कार्रवाई के लिए किसी तरह की पहल नहीं की जा रही है। इस बीज को RR BT कॉटन के नाम से पहचाना जाता है। सूत्रों के अनुसार बिना मान्यता प्राप्त इस अवैध BT3 बीज की बिक्री और बुआई करना अपराध है। इसके बावजूद दलालों के मार्फत धड़ल्ले से कपास उत्पादक पट्टों में यह बीज की सप्लाई की जा रही है। इसके चलते स्थानीय बीज बाजार में वैध BT2 कॉटन बीज की बिक्री पर खतरा मंडरा रहा है। 2 दिन पहले कुछ देर की बारिश ने सिटी का मौसम ठंडा कर दिया था। पारा भी 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया था, लेकिन गुरुवार को फिर पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो गया। मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान 41.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो औसत से 2.2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत से 4.3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। बारिश के बाद से औसतन तापमान में तो कुछ कमी आई, लेकिन दोपहर में तेज धूप और उमस भरी गर्मी से मुक्ति नहीं मिली। गुरुवार को सुबह से ही तेज धूप निकली और दोपहर होते होते गर्मी झुलसाने लगी। मौसम विभाग ने गुरुवार की शाम 5:30 बजे तक 3.6 मिलीलीटर बारिश दर्ज की। विभाग ने संभावना जताई है कि 28 और 29 मई को फिर बारिश के आसार है।
एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तेज हवा गरज चमक के साथ बारिश के संकेत विभाग ने दी है। गर्मी और चिपचिपी उमस से बेचैन शहरवासी अब मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पहले मानसून के 5 से 10 जून तक दस्तक देने की संभावना जताई गई थी, लेकिन अब उसके लेट होने के संकेत मिल रहे हैं। मनपा चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार अब आरक्षित वर्ग की सीटें सुनिश्चित करने के लिए मनपा आयुक्त की ओर से स्थान और समय सुनिश्चित किया गया। इसके अनुसार 31 मई की सुबह 10 बजे से रेशमबाग स्थित कविवर या सुरेश भट्ट सभागृह में आरक्षण का ड्रॉ निकाला जाएगा। 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धति में आरक्षित वर्ग के मतदाताओं की संख्या के आधार पर प्रभाग का आरक्षण किया जाना है। इसमें भी महिला वर्ग के लिए एक सीट अनिवार्य रूप से आरक्षित की जानी है। इसके चलते प्रभाग की कौन सी सीट ड्रॉ के माध्यम से आरक्षित होती है, इसे लेकर कार्यकर्ताओं में बेचैनी है। ड्रॉ सिस्टम की जटिल प्रक्रिया का खुलासा भी सभागार में होने के कारण कुछ कार्यकर्ताओं के होश उड़े हुए हैं। आरक्षण ड्रॉ में कोई भी कार्यकर्ता शामिल हो सकेगा। जानकारों के अनुसार 156 सीटों में से महिलाओं के लिए 78 सीटें आरक्षित रखी जानी है। इसमें भी अनुसूचित जाति के लिए 31 सीटें तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 12 सीटों का आरक्षण है। ड्रॉ में अनुसूचित जाति की महिला वर्ग के लिए 16 सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा। वर्तमान में हर गली मोहल्ले में कॉन्वेंट नर्सरी की भरमार हो गई है। कई तो शिक्षा विभाग की मंजूरी के बिना ही चल रहे हैं। इस बीच जिले में 31 स्कूल अनाधिकृत होने की जानकारी सामने आई है। शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं राज्य भर में कुल 674 स्कूल अनाधिकृत होने का खुलासा हुआ है। शिक्षा विभाग से किसी भी तरह की अनुमति लिए बिना स्कूल चलाए जा रहे हैं। विभाग ने स्कूलों की सूची तैयार कर ली है। अब सूची जारी कर उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। जांच में पाया गया है कि कुछ स्कूलों ने भले ही शासन के नियम और शर्तों का पालन किया है, लेकिन मंजूरी नहीं ली है। सिटी के अलावा ग्रामीण भागों में भी अनाधिकृत स्कूलों की संख्या अधिक है। संस्था चालकों ने स्कूल शुरू करने के लिए विभाग से पत्र व्यवहार तो किया, लेकिन मान्यता मिलने से पहले ही छात्रों को प्रवेश दे दिए। यूडायस में इन स्कूलों को बोगस के तौर पर पंजीकृत किया गया है। शिक्षा विभाग ने इस अनाधिकृत स्कूलों को बंद करने के लिए पत्र व्यवहार शुरू कर दिया है, लेकिन संस्था चालकों ने कोई प्रतिसाद नहीं दिया। गुरुवार को मनपा आयुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्णन बी ने हाथी रोग निवारण गोलियों का सेवन कर एलिफेंटेसिस उन्मूलन अभियान की शुरुआत की। 25 मई से 5 जून तक नागपुर शहर में एलिफेंटेसिस उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान मनपा के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी घर घर जाकर मरीजों को गोलियां खिलाएंगे। नागरिक इस अभियान को अच्छा प्रतिसाद दे और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के सामने गोलियों का सेवन करे, यह आह्वान मनपा आयुक्त और प्रशासक राधाकृष्णन बी ने किया है। एलिफेंटियासिस कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन इससे स्थायी विकलांगता जरूर हो सकती है। नागपुर महानगर पालिका द्वारा हर साल हाथी रोग उन्मूलन अभियान चलाया जाता है। इस अभियान की मदद से शहर के कुछ हिस्से एलिफेंटियासिस से मुक्त हो गए हैं। हालांकि अब भी कुछ हिस्सों में इस बीमारी का असर देखा जा रहा है। पूरे शहर को एलिफेंटियासिस मुक्त बनाने के लिए नागरिकों का सहयोग बेहद जरूरी है। मनपा की स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा सेविका, आंगनवाड़ी सेविकाएं हर व्यक्ति तक पहुंचकर उन्हें एलिफेंटियासिस की गोलियां बांट रही है। इन गोलियों को संबंधित स्वास्थ्य कार्यकर्ता के सामने ले जाना चाहिए। मनपा आयुक्त और प्रशासक राधाकृष्णन बी ने नागरिकों से अपील की है कि इस बीमारी के खात्मे के लिए वे नागपुर महानगर पालिका का सहयोग करें। शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों में लग रही आग को देखते हुए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय काफी सतर्क हो गया है। वह ऐसे वाहनों पर कार्रवाई कर रहा है जिनमें 250 वाट से अधिक की बैटरी लगी है। नियमानुसार अगर बाइक में कोई बैटरी की क्षमता बढ़ाता है तो उसकी जानकारी आरटीओ विभाग को देनी होती है। साथ ही कुछ दस्तावेजों को भी पूर्ण करना पड़ता है। फिलहाल शहर में कई लोग इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वाहन में आग लगने का खतरा पैदा हो गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए आरटीओ विभाग अब कार्रवाई में जुट गया है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार वर्ष 2030 तक पूरे देश में इलेक्ट्रिकल वाहनों को अनिवार्य करने जा रही है, लेकिन इस समय सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है बाइक या दूसरे इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाएं। इससे जान और माल दोनों का खतरा बना रहता है। नियमों की माने तो किसी भी वाहन की बिक्री से पहले एक पंजीकृत टेस्टिंग एजेंसी द्वारा टाइप अप्रूवल टेस्ट रिपोर्ट लेना अनिवार्य होता है। इस आधार पर ऐसे वाहनों को पंजीयन से छूट दी जाती है। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए निगम के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोवैक्सीन टीका उपलब्ध होगा। टीका दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन
और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। हाल ही में अंबेडकरी विचार मोर्चा के संघर्ष नायक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण राव बागड़े का जन्मदिन हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विजय कुर्यवंशी, मुकुंद घरत, राजू जायसवाल, उमेश चौहान, प्रभाकर काले आदि उपस्थित थे। महामेट्रो द्वारा 29 मई 2022 से इक्का और ऑरेंज लाइन पर प्रत्येक रविवार को मेट्रो सेवा का विस्तार किया जा रहा है। संशोधित टाइम टेबल के अनुसार दोनों मार्गों पर टर्मिनल स्टेशन से अंतिम मेट्रो ट्रेन रात 9:30 बजे की बजाय रात 10 बजे तक चलेगी। यात्रियों की लगातार मांग को ध्यान में रखते हुए समय में ये परिवर्तन किया गया है। रविवार को छुट्टी के कारण यात्री खरीदारी या काम के अन्य स्थानों पर अक्सर जाया करते हैं। मेट्रो यात्रियों की मांग के अनुसार मेट्रो सेवा रात 9:30 बजे के बजाय रात 10 बजे तक की गई है। रविवार सहित पूरे दिन सुबह 6:30 बजे से रात 9:30 बजे तक यात्री सेवा चलती थी, लेकिन अब इस रविवार को मेट्रो सेवा 10 बजे तक चलेगी। रविवार को सुबह 6:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक हर 20 मिनट में मेट्रो सेवा और दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक हर 15 मिनट में और रात 9 से 10 बजे के बीच हर 20 मिनट में मेट्रो सेवा उपलब्ध रहेगी। उल्लेखनीय है कि मेट्रो सेवा में बदलाव केवल रविवार के लिए ही किया गया है और अन्य दिनों में मेट्रो सेवाएं और समय से पहले की तरह ही रहेगी। शहर की सामाजिक संस्था सिंधु युवा फोर्स द्वारा 29 मई रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन साई सतरामदास साहिब, साई खिलूराम साहिब दरबार ट्रस्ट एवं जीतू बेलानी के सहयोग से सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक किया जा रहा है। शिविर की सफलता के लिए सभा का आयोजन संस्था अध्यक्ष गुड्डू केवल रामानी की देखरेख में समाधि साहिब में किया गया। सभा को संबोधित करते हुए गुड्डू केवल रामानी ने कहा कि इस समय भीषण गर्मी के कारण शहर की समस्त ब्लड बैंकों में रक्त की कमी निरंतर जारी है। रक्त की कमी के कारण थैलेसीमिया रोग से पीड़ित मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जो कि उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है और इन मरीजों का जीवन ही रक्त पर निर्भर है। थैलेसीमिया मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध हो उसके लिए संस्था कटिबद्ध है। आगे केवल रामानी ने कहा कि इस बार संस्था विशेष तौर पर थैलेसीमिया मरीजों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन करेगी। शिविर में महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था के साथ रक्तदाताओं के लिए भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी। गुड्डू केवल रामानी ने शहरवासियों से शिविर में रक्तदान करने की मार्मिक अपील की है। पिछले कुछ दिनों में जिले में भारी बारिश के कारण राज्य के कई हिस्सों में भारी नुकसान हुआ है। इस संदर्भ में सावनेर तहसील के एरन गांव और कोटड़ी का पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय विकास, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार ने दौरा कर वहां हुए नुकसान की तत्काल जांच कर सरकार को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। केदार ने सावनेर तहसील के एरन गांव और कोटड़ी गांव में भारी बारिश से हुए नुकसान का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं ग्रामवासी उपस्थित थे। सावनेर तहसील में तेज आंधी के साथ हुई मूसलाधार तूफानी बारिश ने दोनों गाँव के कई घरों की छतों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिससे कई घर ढह गए हैं। निरीक्षण के दौरान मंत्री सुनील केदार ने प्रभावित नागरिकों से चर्चा की। उन्होंने राजस्व विभाग को निर्देश दिए कि उन्हें भोजन और अन्य जरूरत सामान तुरंत उपलब्ध कराया जाए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जन्मदिन के अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों व महिलाओं के लिए विदर्भ की कुलस्वामिनी रेणुका माता मंदिर माहुरगढ़ की निशुल्क दर्शन यात्रा का आयोजन भारतीय जनता पार्टी नागपुर शहर की ओर से किया जा रहा है। ये जानकारी शहर मंत्री नरेंद्र पांडे ने दी है। इस टूर का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों शुक्रवार सुबह 9 बजे हरी झंडी दिखाकर किया गया। कार्यक्रम में बतौर प्रमुख अतिथि पूर्व सांसद दत्ता मेघे, विधायक एवं शहर भाजपा अध्यक्ष प्रवीण दट्ट के उपस्थित थे। माहुरगढ़ में महाआरती, अभिषेक व महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। नागपुर महानगर पालिका द्वारा पिछले कुछ दिनों से शहर के नदी नालों में जेसीबी लगाकर नदी नालों की सफाई का भरपूर दिखावा किया जा रहा है। इन नदी नाले में चल रही जेसीबी को देखकर लोगों को बहुत खुशी होती है कि सफाई काम जोरों से चल रहा है, परंतु ये मात्र एक दिखावा है, क्योंकि मलबे को बाहर निकालकर दूर कहीं डालने की बजाय उसे किनारों पर जमा कर दिया गया है। अभी कुछ दिनों में बारिश आएगी और ये नदी नाले पूरे ऊपर तक भरकर बहेंगे और पूरा मलबा फिर से इन नदी नालों में बहकर बीच में जमा हो जाएगा। पिछले कई सालों से यही काम किया जा रहा है। वर्ष 2019 में 26 जून को भी एडवोकेट अक्षय समर्थ के द्वारा इस विषय पर मनपा अधिकारियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत ज्ञापन दिया गया था, परंतु मनपा प्रशासन को जनता के पैसे के दुरुपयोग से और अधिकारियों के भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। जनता के पैसों का दुरुपयोग सबके सामने है, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
मुस्लिम महिला इस्लाम के आदर्शों का पालन करते हुए शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। समाज के सुधार के लिए उनका कार्य भी सराहनीय है। इस आशय के विचार नागपुर सेंट्रल जमात के तत्वावधान में मोमिनपुरा के फलाह मंजिल में आयोजित ईद मिलन समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित गांधीबाग तहसील पुलिस की PI सुश्री तृप्ति सोनवने ने व्यक्त किए। वही दूसरी ओर महिला पुलिस कांस्टेबल सरला गायकवाड़ ने कहा कि वे मोबाइल फोन के प्रयोग में सावधानी बरतना चाहिए और सोशल मीडिया का सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। महिलाओं को अपने सम्मान की रक्षा में स्वयं को आगे आना चाहिए। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य महविश मुनीरा ने GIO, CIC और CC संस्थाओं के बारे में मान्यवरों को अवगत कराया। रुमना कौसर ने कहा कि इस्लाम पूरी मानवता के लिए है। उन्होंने जकात के उद्देश्य को विस्तार से और विविध उदाहरणों से समझाया। डॉक्टर साहिबा खान ने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि मुस्लिम लड़कियों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। उन्होंने संविधान में दिए गए धार्मिक अधिकारों, सभ्यता और संस्कृति के आलोक में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि हम कई संगठनों के साथ मिलकर समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। मानसून की बारिश से पूर्व किसानों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर उनके प्रकरणों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण करें। इससे पूर्व गोपीनाथ मुंडे दुर्घटना बीमा योजना की शर्तें कठोर थी, किंतु अब शासन के निर्णयानुसार उन्हें आसान कर दिया गया है। इस कारण किसानों को अब इस योजना का लाभ दे। इस आशय के निर्देश कलेक्टर R. विमला ने कृषि विभाग के अधिकारियों को दिए। जिला कलेक्टर कार्यालय में गोपीनाथ मुंडे किसान दुर्घटना बीमा योजना के तहत जिला निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, उप जिला अधिकारी राजस्व पीयूष चिवंडे, जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी मिलिंद शेंडे, कृषि उपसंचालक अरविंद उपरीकर, तंत्र सांख्यिकी अधिकारी अर्चना कोचरे, द यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि रितेश पराते, बीमा सलाहकार कंपनी जायका इंश्योरेंस के ब्रोकरेज आशीष निको से संतोष जायसवाल आदि उपस्थित थे। कलेक्टर ने कहा कि उप जिलाधिकारी अपने विभाग से संबंधित प्रलंबित प्रकरणों की त्रुटियां तत्काल दूर करें। बीमा कंपनियां भी जल्द से जल्द प्रकरणों का निपटारा करें। वर्ष 2020-21 में राज्य स्तर पर किसी भी बीमा कंपनी की नियुक्ति नहीं की गई है। इस कारण इस खंडित कालावधि में नागपुर जिले के 59 प्रकरण आयुक्तालय स्तर पर प्रस्तुत किए गए हैं। मीडिया महोत्सव पारंपरिक उत्सव न रहते हुए जनता को जानकारी प्रदान करने वाला उत्सव बने। उत्सव में सहभागी होने वालों को राज्य शासन की लोक उपयोगी योजनाओं की जानकारी मिले। ये उत्सव दुर्गम क्षेत्र के नागरिकों को मुख्य प्रभाव में लाने वाला साबित हो, ऐसी शुभकामनाएं नागपुर विभागीय आयुक्त माधवी खोड़े चौरे ने भामरागढ़ माड़िया महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर दी। भामरागढ़ माड़िया महोत्सव शुरू हो गया है और 28 मई तक विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करने के पश्चात इसका समापन होगा। उद्घाटन के मौके पर पद्मश्री विजेता फोटोग्राफर सुधारक ओलवे, विधायक धर्मराव बाबा आतराम, विधायक डॉक्टर देवराव होली, जिलाधिकारी संजय मीणा, सहायक जिलाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी शुभम गुप्ता, सहायक जिलाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी अंकित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुज तरे, उप वन संरक्षक आशीष पांडे, भामरागढ़ प्रकल्प स्तरीय विकास समिति के अध्यक्ष नामदेव उसेंडी, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष भाग्यश्री आतराम, पंचायत समिति सदस्य हर्षवर्धन आतराम, तहसीलदार अनमोल कामले उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक तीर, कमान और रेकी प्रदान करते हुए हुई। अपने उद्घाटन भाषण में संभागायुक्त माधवी खोड़े ने सरकारी योजनाओं पर श्रोताओं का मार्गदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने आदिवासियों के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं और उन योजनाओं को सरल भाषा में प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में बताया। अग्रवाल समाज की सर्वोच्च संस्था श्री अग्रेसन मंडल नागपुर द्वारा निशुल्क अग्रवाल युवक युवती वैवाहिक परिचय सम्मेलन 16 एवं 17 मई को श्री अग्रेसन भवन रविनगर नागपुर में आयोजित किया गया। परिचय सम्मेलन को मूर्त रूप देने एवं सुचारू व्यवस्था हेतु श्री अग्रेसन भवन गांधीबाग में कार्यालय का उद्घाटन अध्यक्ष शिवकिशन अग्रवाल के कर कमलों द्वारा 25 मई को किया गया। ये कार्यालय प्रतिदिन शुरू रहेगा, साथ ही साथ परिचय सम्मेलन के पदाधिकारीगण भी उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन प्रमुख ने नागपुर के परिचय सम्मेलन की अपार सफलता एवं कोविड नियमों की वजह से 2 वर्षों के बाद इसका पहले की तरह निशुल्क आयोजन समाज बंधुओं के लिए किया जा रहा है, इस बात पर संतोष जताया। समाज बंधुओं के लिए ये विशेष प्रयास किया जा रहा है। निशुल्क रजिस्ट्रेशन से लेकर खानपान आवास की सुव्यवस्था संस्था द्वारा की जा रही है। विवाह योग्य युवक युवतियों के बायोडाटा जल्द से जल्द श्री अग्रेसन भवन गांधीबाग नागपुर को प्रेषित करें। इस वर्ष महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित थी। इस अवसर पर समाज के गणमान्य पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। अंत में संयोजक दीपक अग्रवाल ने सभी का आभार माना। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB News। नमस्कार।